देखिए भाई, मैं अपने थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूँ, इसलिए वीडियो में म्यूजिक भी देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई बहुत अच्छा नहीं है जिसे मैं एडिट कर सकूँ, तब भी मैं करता हूँ अपना जी जान लगा के कि अच्छा से अच्छा वीडियो है। तो यदि मेरे म्यूजिक में वीडियो आ रहा है, वीडियो मेरे वीडियो में कोई भी म्यूजिक आ रहा है, तो बस हद से 3 मिनट, आप 2-2.5-3 मिनट इंतज़ार कीजिए, वीडियो जो है क्या कहते हैं आपको म्यूजिक बंद हो जाएगी। वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि उसका वॉल्यूम बहुत कम कर दूँ, है ना। अच्छा, एक बात यह है कि एक इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला था, उसमें से जो है क्या कहते हैं फ़ोटो गायब हो जाती है, सिर्फ ऑडियो आता रहता है, मेरा बोलने के शब्द पूरे वो आते हैं, कहानी पूरी आती है, लेकिन उसका वीडियो नहीं आता। उसका कारण मैं बताऊं, उसका कारण ये है कि पहला जो मैंने वीडियो डाला, बड़ा सा वीडियो था, उसमें जो है क्या कहते हैं मैं पोस्टमार्टम हाउस के पास बैठा था, है ना। आप तो जानते हैं पोस्टमार्टम हाउस में कितनी भयंकर आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत का, है ना। मैंने वीडियो तो पूरा बना लिया, जब उसको मैंने अपलोड भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, जब मैंने उसको खुद वॉच किया तो देखा कि करीब आखिरी के पूरा करीब करीब 3-4 मिनट हमारा जो है पूरा वीडियो, मतलब हमारा चेहरा गायब हो गया, सिर्फ ऑडियो आ रहा है, मेरे बोलने का आ रहा है, और वीडियो मतलब मेरा चेहरा पूरा वीडियो से गायब ही हो गया। तो ये जो है मैं बताऊँ कि ये जो था, जब हमसे भी तेज या इस फ़ोन से भी तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई पावर आ जाती है, तो वो इस तरह की खुराफात करती है। कभी कभी किसी का जो है वीडियो ही पूरा करप्ट हो जाता है, है ना। पूरा बना लिया, शूट कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके स्क्रीन पर दिख रहा है कैमरे के, और लेकिन जब घर में आके उसको लैपटॉप से देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं आता, करप्ट हो जाता है। ये अभी एक हमारे बहुत ही प्रिय प्रिय से प्रिय जो है राज वाकर साहब हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी एक शमशान घाट में जाके पूरा वीडियो बनाया था, खूब मज़े से बातें की थी। उनके साथ एक अशोक राम जी भी थे, वो भी बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं पैरानॉर्मल, दोनों ने मिलकर बहुत ही भयंकर शमशान घाट है, शायद आज भी उनका वीडियो सबके पास आ रहा होगा, उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की थी, नाव पर बैठ के किया, लेकिन जब वो वीडियो बना के जब निकले तो पूरा वीडियो ही करप्ट हो गया, है ना। मतलब वो वीडियो ऐसी जगह रुक गया कि वो ना आगे बढ़े ना पीछे रहे, जबकि राजवाकर साहब खुद ही इलेक्ट्रॉनिक के बहुत बड़े इंजीनियर हैं, और उनके इलेक्ट्रॉनिक से उनके कोई जान भी सकता, मतलब आम हम लोग ब्लॉगर हैं तो इस विषय में नहीं जान सकते, लेकिन वो बेचारे बहुत उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उनका वीडियो आगे नहीं बढ़ा ना पीछे हटा, और ऐसा करके उनका वीडियो पूरा करप्ट हो गया, है ना। अब भाई क्या दिखाते, एक ही जगह वीडियो रुका पड़ा है, मुंह उनका चल रहा, हाथ चल रहा, ना वो आगे बढ़ रहा है पीछे पड़ रहा, इस तरह से इंसिडेंट होता है। तो प्लीज़ कमेंट्स लिख के बताइए, जिससे आपको ये ना लगे कि मैंने कोई गड़बड़ी की, क्या मैं उसका पूरा क्लेरिफिकेशन कर दूँगा, है ना। और बस म्यूजिक की बात है कि भाई हमको क्यों, मेरे आप जो है व्यूअर्स देखे, अमेरिका, आयरलैंड, पुर्तगाल, कतर, पाकिस्तान, इसमें भी बढ़ रहे हैं, तो इन लोग जो है पसंद करते हैं कि हल्की सी म्यूजिक भी हो, सब चीज़ के बारे में बताया जाए, तभी तो मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। तो अमेरिका और क्या कहते हैं आयरलैंड में तो मेरे बहुत ही अच्छे हैं, पुर्तगाल में भी अच्छे हैं, कनाडा से भी आए थे, है ना, और जो है इधर इंडिया से उतने नहीं जितना उन लोग पसंद करते हैं। हमारे ख्याल से अमेरिका में जैसे एक ही मतलब वीडियो को 20-20 लोग देखते हैं, तो ये समझ लीजिए कि 20 लोग स्मार्टफोन पे मेरा जरूर वीडियो देखते होंगे, है ना। तो समझ लीजिए कि मैं तो कुछ अपना झंडा ऊंचा रहे हमारा, अपना भारत का झंडा ऊंचा लेके चल रहा हूँ ना, इस तरह से आप लोग भी करिए। कुछ जो भी बातें कमेंट्स लिख दिया कीजिए, जैसे मुझको लगे कि मैंने क्या गलत किया, क्या है? कुछ लोग लिख देते हैं म्यूजिक ना डाला कीजिए, लेकिन डालना ज़रूरी होता भाई, फॉरेन कंट्री में तो बहुत चलता है, इंडिया में तो खैर नहीं। और हाँ, हो सके तो हेडफोन लगा के सुनिए। मैं अब आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं अब बहुत कम से कम साउंड पे, वॉल्यूम पे म्यूजिक चलाऊँगा। अभी तो खैर मैं DJ दलाल साहब का डर ही चला रहा हूँ, आगे और अच्छे अच्छे चलाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे पुल के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि वाई शेप्ड है ना, और ये भिलाई और दुर्ग को जोड़ता है आपस में। इससे बहुत सारी दूरी जो है बहुत कम हो गई है, नहीं तो बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता था दुर्ग, समझे ना। दुर्ग और भिलाई को जोड़ने वाला वाई शेप्ड पुल ब्रिज है ना। अब इसको जो है लोगों ने हॉन्टेड करार कर दिया। अब हॉन्टेड है कि नहीं ये तो खैर मेरा ड्यूटी है कि आप लोगों को तो बताऊं। तो उसके लिए जब मैं भिलाई में था तो मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन किया था, वो भी रात में, और साथ में तो आप जानते हैं कि कोई ना कोई सब्सक्राइबर रहते ही मेरे साथ, जिससे उसको भी सच्चाई पता चले। रात के 2 बजे मतलब पुल पर तो खैर लाइट जल रही थी, लेकिन इधर उधर थोड़ा सा दूर दूर तक लाइटें थी, लेकिन अंधेरा था। और लंबा पुल है, बड़ा पुल है, तो मैं बीच में एक जगह खड़ा हो गया। मैं उस बीच से उस तरफ जाता दुर्ग की तरफ, और इस बीच में से भिलाई की तरफ जाता, ऐसे कर करके मैंने बहुत चक्कर लगाए। कहते हैं कि वहाँ पर जो है कोई लेडी जो है रास्ता रोकती है, लिफ्ट मांगती है, बैठ जाने पर थोड़ी दूर तक तो बातचीत करती रहती है, फिर अचानक भयंकर हो जाती है, रूप में आ जाती है और उस शख्स को इस तरह से डरा देती है कि या तो उसका एक्सीडेंट होता है या मर जाता है। वाई शेप पुल में ऐसा क्या हुआ था कि ये हॉन्टेड हो गया? असल में जब ये बन रहा था ना, तो किसी कारणवश दोषपूर्ण मतलब व्यवस्था से ऐसा हुआ कि कुछ वहाँ के जो लेबर मजदूर लोग मर गए बेचारे एक्सीडेंट से। तो एक नहीं करीब 5-6 लोग वहाँ एक्सीडेंट से मरे। कहते हैं उसके बाद से जो है पुल तो खैर बन के तैयार हो गया, उद्घाटन भी हो गया और वो आवागमन भी शुरू हो गया, लेकिन वहाँ पर जो है फिर लोगों ने कुछ महीनों बाद अफवाह या कुछ भी कहिए उड़ाने शुरू कर दी कि फूड ये जो है ब्रिज जो है हॉन्टेड है। और इसमें जो सोशल मीडिया के भी हाथ रहा कि उन्होंने जो है क्या कहते हैं खूब वीडियो पब्लिश कराए, वायरल भी हुए, खूब पैसा लोगों ने कमाया इसमें। वो कभी कोई किसी तरह का मतलब समाचार देता, कभी कोई किसी तरह से, और ये धीरे धीरे करके इतना पॉपुलर हो गया कि रात में बहुत ज़रूरी है तो उस पर से बाहर निकलते, अन्यथा कोई पैदल तो खैर जाता ही नहीं है, साइकिल से नहीं जाता, मोटरसाइकिल से नहीं जाता, चार पहिया जाता है, लेकिन भरसक कोशिश करता है कि पुल को जल्द से जल्द पार कर दें। और इस बीच में यदि कोई इंसिडेंटली जो है क्या कहते हैं किसी को ज़रूरत पड़ी लिफ्ट लेने की, तो भैया वो तो भगवान मालिक है, कोई भी गाड़ी रोकेगा नहीं, और आज तक ऐसा होता चला आ रहा है। खैर उसी कारण मैं लेफ़्ट राइट करता रहा। मैंने भूत प्रेत को बुलाने वाली, आत्माओं को बुलाने वाले मंत्र भी पढ़े, सब कुछ किया, लेकिन मुझको तो ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर और रुक लें, मैं सुबह तक रुका रहा। वहाँ से लोग आ भी जा रहे थे, ऐसी बात नहीं थी कि नहीं जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन ना मैंने किसी गाड़ी को रुकते देखा, ना कभी कोई लिफ्ट लेते हुए, कोई कन्या, सुदर्शन कन्या, युवती, बूढ़ी, बूढ़ा या कोई बच्चा, किसी को भी मैंने पुल पर आते जाते पैदल तो देखा नहीं, ना किसी से लिफ्ट लेते देखा। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि वाई शेप पुल जो कि दुर्ग और भिलाई को आपस में जोड़ता है, इससे दूरी बहुत कम हो गई, लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए इसे बनाया गया था। तो प्लीज़ ऐसे इस तरह से वीडियो वायरल करके इस पुल को बदनाम ना करें, नहीं तो रात बिरात किसी को ज़रूरत पड़े तो अपने इमरजेंसी में जाना भी हो तो हिचकिचाएगा, है ना। और अपने लोग तो खैर चले जाएंगे, लेकिन जो मोहल्ले वाले या पड़ोसी या जो वो भी हैं मतलब साथ देने वाले, तो वो तो फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि भूतों का डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये मेरा नहीं, ओम जी का, ओम ब्लॉग वालों का डायलॉग है, मैं बहुत पसंद करता हूँ उन्हें, बहुत ही हिम्मती लड़का है, पता नहीं लोग क्यों फेक कहते हैं, मुझको फेक नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है, मैं उसकी आगे बढ़ने की कामना करता हूँ। सागर तिवारी जी का भी मैं बहुत फ़ोन हूँ और फ़ैन हूँ, और रियल वन का भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ,
अभी कुछ नए नए लोग हैं, जस्सी भाई हैं, अमित जी हैं, सलमान जी हैं, इनको भी देखता है, आरकेआर मौर्य जी भी हैं, लेकिन इन लोग कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कर देते हैं कि लोगों को लगने लगे कि फेक है। खैर कोई फेक नहीं होता, क्योंकि सब अपना घर द्वार छोड़ के रात बिरात में सन्नाटे में उनको क्या, कुछ डॉलर ही तो मिलते होंगे, लेकिन शरीर तो उनका वो होता है, समय तो ख़राब होता है। माँ बाप भी कितने चिंतित होते होंगे, बीवियाँ यदि किसी की होंगी वो कितनी चिंतित होंगी। जैसे अभी सलमान भाई की शादी हुई, अब उनकी नई नवेली दुल्हन यदि घर में अकेली पड़ी रहे, रात में उनके सैयां भूतनियों के पीछे पड़े तो कैसा लगेगा ना। इसलिए किसी को फेक ना करिए, सब अपने अपने पैसा कमा रहे हैं, नौकरी नहीं मिलती तो क्या इसी से पैसा कमा रहे हैं, आपसे क्या लेने देना। वो तो बाहर की मुद्रा हमारे देश में आ रही है ना, सबसे बड़ी तो चीज़ ये है डॉलर जो है हमारे देश में, क्योंकि डॉलर तो वो हमारे बैंक में ही भेजेंगे, हमारा बैंक उसको कन्वर्ट करके रुपये में देगा, तो सीधे साधे हमारे विदेशी मुद्रा बढ़ रही ना, इसलिए उनको फेक ना करें। कोई भी फेक नहीं होता, सब अपने अपने पेट पालने के लिए काम करते हैं, समझ ना। इसलिए मैं इसी के साथ सबको, जितने भी YouTube के ब्लॉगर्स हैं, सबको आशीर्वाद देता हुआ मैं ये वो वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आइंदा से इस वाई शेप्ड जो दुर्ग भिलाई को जोड़ता है, ब्रिज जो है दुर्ग भिलाई को जोड़ता है, उसके बारे में कोई अफवाह ना फैलाएं। सचमुच का कोई हो तो रियल फुटेज दिखाइए, तभी जो है क्या कहते हैं इसका काम होगा, और हम लोग कोई ना कोई सक्षम होगा वहाँ पर से भूत प्रेत को हटा दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भगवान आप सबका भला करे, आशीर्वाद के साथ। ये नाम है वाई शेप्ड ब्रिज दुर्ग टू भिलाई। थैंक यू, ओके, नमस्कार।